दोस्तों, एक तरफ तो हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश में हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी पृथ्वी अपने अंदर कई ऐसे राज दफन किए बैठी हैं, जिनको वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, आप अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानते ही होंगे, जिसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह में से एक माना जाता है, और ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जहां के 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको हर जगह बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। इसके बीचों बीच दक्षिणी ध्रुव मौजूद है। यह चारों तरफ से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने कल्पना करने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका असल में कैसा दिखता है? क्योंकि जब कभी भी आपके जहन में अंटार्कटिका का नाम आता होगा, तो आपको पेंगुइन और बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर याद आते होंगे। लेकिन उसके अलावा भी इस बर्फीली जगह पर बहुत सी चीजें हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में कुछ ऐसे राज छिपे हुए हैं। तो चलिए आज चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर और इस बर्फीली जगह के रहस्यों को खगालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। अंडरग्राउंड लेक्स। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर -90 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इस वजह से वहां पर किसी भी तरह का मॉइस्चर मिलना बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन आप यकीन करें या ना करें, पर हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे कई सारी अंडरग्राउंड लेक यानी कि झीलें मौजूद है, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सिद्ध है, जिसमें अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील को भी ढूंढा जा चुका है, जिसका नाम वोस्टोक लेक है, जो कि 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे मौजूद है। हमें पता है कि इसे जानने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि इतनी सारी बर्फ के नीचे आखिर पानी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि विज्ञान के पास इसका भी बहुत ही ठोस जवाब है। बर्फ के नीचे यह पानी हाई प्रेशर के कारण लिक्विड के रूप में रहता है, और धरती द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इसी पानी के तापमान को बिल्कुल नॉर्मल रखती है और उसे बर्फ में तब्दील नहीं होने देती है। और जो कि यह लेक हमारी नॉर्मल लेक से बिल्कुल अलग है, इसलिए इनके अंदर बहुत सी ऐसी अनोखी चीजें मौजूद है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि हम साफ शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह झील अपने अंदर एक अलग ही दुनिया लेकर बैठी है, जिसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि इसके अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और इतने मुश्किल हालातों में रहने की वजह से इन बैक्टीरियाज का लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रकृति के बैक्टीरिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है जो हम सबकी समझ से परे है। मार्टियन मीटियोराइट। अब आप अंटार्कटिका में पाई जाने वाली एक बहुत ही नायाब चीज के बारे में जान लीजिए, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि सन 2015 में पाया जाने वाला एक मीटियोराइट था, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस मीटियोराइट का साइज हम इंसानों जितना था। और जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो यह पाया गया कि यह मीटियोराइट मार्स से आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। लेकिन दोस्तों, इस मीटियोराइट का राज अभी भी पूरी तरह से खोला नहीं था, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब वैज्ञानिकों ने इस मीटियोराइट के ऊपर दोबारा खोज की तो उन्हें एक अलग ही चीज मिली, और वो कुछ और नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स थे। जब आप खुद ही सोचिए कि जब एक मीटियोराइट जो कि मार्स से आया हुआ है उसके अंदर माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। और तभी से वैज्ञानिक मार्स के ऊपर जिंदगी ढूंढने में और ज्यादा सक्रिय हो गए। दोस्तों, वाकई अंटार्कटिका में मिला ये मीटियोराइट किसी खजाने से कम नहीं है। इलोंगेटेड स्कल्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका में पाए जाने वाली इंसानी हड्डियों की, तो वहां पर सबसे पहले इलोंगेटेड स्कल्स ही पाए गए। ये स्कल्स इंसानों के ही है, लेकिन इनका सिर ऊपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा लंबा है, जो कि किसी को भी चौंका देने के लिए काफी है। हम आपको बता दें कि इस जगह से मिलते जुलते स्कल्स पेरू में भी पाए जा चुके हैं,
हालांकि वैज्ञानिकों की लंबे सरों वाले स्कल्स के पीछे की अपनी अलग ही थ्योरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इसलिए ऐसे हैं क्योंकि पहले के समय में लोग अपनी कम्युनिटी को और भी ज्यादा फैलाने के लिए अन्य लोगों के सिरों को भी किसी चीज से दबाकर उन्हें ऊपर की तरफ लंबा किया जाता था ताकि वो इंसान उस कम्युनिटी का लग सके। और ये स्कल्स भी उन्हीं कम्युनिटी के लोगों के हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह के स्कल्स पेरू और इजिप्ट में भी पाए गए हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि पहले के समय में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों के बीच कोई तो गहरा संबंध जरूर था। और ये सभी चीजें टेक्टोनिक मूवमेंट और प्लेट की थ्योरी को सपोर्ट करता है और ये भी साबित करता है कि पहले के समय में अंटार्कटिका एक दूसरे विशाल लैंड फॉर्म का हिस्सा हुआ करता था। नाजी बेसिस। अब हिटलर के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। ये इतने ज्यादा सन की किस्म के इंसान थे कि कभी भी कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था कि पूरी दुनिया उसके कदमों में हो और वो पूरी दुनिया पर अपना राज कर सके। इसी वजह से तो उन्होंने अंटार्कटिका जैसे इलाकों को भी नहीं छोड़ा, जिसका सबसे बड़ा सबूत वहां मिला नाजी बेसिस है। अब आप खुद ही सोचिए कि अंटार्कटिका जैसी जगह जहां पर मुश्किल से 10-15 साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए रुकते हैं और उसके अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इतने ठंडे इलाके में वो एक दो दिन गुजार भी सके। ऐसे में हिटलर ने अपनी नाजी आर्मी वहां भी पहुंचा दी। ये बात सन 1939 की है, जब वर्ल्ड वार टू की शुरुआत हुई। हिटलर ने अनुमान लगाया कि उनकी आर्टिलरी के लिए फ्यूल और बाकी फेट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि दूध, बटर, चीज क्रीम, इन सभी चीजों की कमी हो सकती है। इस वजह से हिटलर ने अपनी एक सिपाहियों की टोली को अंटार्कटिका भेज दिया ताकि वो फ्यूल के साथ साथ इन चीजों की खोज उस जगह पर कर सके। और इस मिशन को कमांड कर रहे थे कैप्टन अल्फ्रेड रिचर्ड, जो कि वर्ल्ड वॉर टू में नाजी आर्मी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए देखे गए। यहां पर उन्होंने बहुत ही बहादुरी से और अपनी समझदारी से काफी हद तक दुश्मनी सेना को मार गिराया। हालांकि यह एक्सपीडिशन बस कुछ ही समय चला और थोड़े ही दिनों बाद ये नाजी सिपाही वापस अपने घर लौट आए। लेकिन उन्होंने अपने बेसिस जिस जगह पर बनाया था वो आज भी वहां पर मौजूद है, ब्लड वाटर फॉल्स। ऑस्ट्रेलिया के एक जियोलॉजिस्ट को सन 1911 में यह ब्लड वाटर फॉल्स मिला। असल में जब वो ट्रेलर ग्लेशियर की शेर पर निकले थे तो उन्हें अचानक से ही ये ब्लड वाटर फॉल्स दिखाई दिया, जिसे देखकर पहले तो वो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस जगह से निकलने वाली पानी का रंग खून जैसा लाल था। हालांकि पहले तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को जानने के लिए अलग अलग तरह के अनुमान लगाने शुरू किए, लेकिन अंत में काफी समय के बाद उन्हें यह पता चला कि इस पानी के अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से यहां से लाल रंग का पानी निकलता है। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि सिर्फ एक धार की तरह बहने वाले वाटरफॉल से ही यह लाल रंग का पानी क्यों निकलता है, बाकी जगहों पर ऐसा क्यों नहीं। खैर जो भी हो, अभी भी वैज्ञानिक इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं और लगातार इसके बारे में अलग अलग चीजें खोजते रहते हैं, जो कि हम इंसानों को चौंका देने के लिए काफी है, फिर चाहे वो यहाँ का लाल रंग का पानी हो या फिर वहां पर मौजूद जीव। हाइडन माउंटेन रेंज। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी है, और जितनी बर्फ पूरी दुनिया में मिलाकर नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा बर्फ अकेले अंटार्कटिका के अंदर मौजूद है। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि इस जगह के अंदर एक माउंटेन मौजूद है तो आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सन 1950 में बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे खोजकर्ताओं ने गंबर्ट सेव माउंटेन रेंज की खोज की, जो लगभग 2700 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी। ये माउंटेन रेंज दिखती तो आम माउंटेन रेंज जैसी है, लेकिन इसके बारे में एक बात ऐसी भी है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वैसे अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि कोलिजन के कारण हर बढ़ते समय के साथ पहाड़ी छोटी होती रहती है, जिस वजह से उसका साइज धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और ऐसा होने में करीब 400 से 500 मिलियन सालों का वक्त लगता है। लेकिन अंटार्कटिका में पाई जाने वाली ये माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा अनोखी है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी उम्र 1 बिलियन साल से भी ज्यादा की है, यानी कि यह 1 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है।
जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक कोई भी माउंटेन रेंज नहीं पाई गई है जो इतनी पुरानी हो। शिंगिंग आइस, अब आप पूरी तरह से चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अंटार्कटिका में ऐसी बर्फ पाई गई है जो गाती है, यानी कि सिंगिंग करती है। असल में सन 1950 में की गई एक स्टडी से पता चला कि जब हवा इन बर्फीली आइस शिप से टकराती है तो वह एक महिला के रोने की आवाज निकालती है। हालांकि ये आवाज हम इंसानों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन आवाज को रिकॉर्ड करने वाली तरह तरह की एडवांस मशीनों के द्वारा इन आवाजों को सुना जा सकता है, जो समय और वातावरण के हिसाब से अपनी ध्वनि को बदलती है। और तो और सिर्फ एक जगह पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ जगहों पर आपको हड्डियों के टूटने की भी आवाज सुनाई दे सकती है। इस तरह यह बर्फ अपने अंदर से कई सारी अलग अलग ध्वनि निकाल सकती है, जिन्हें सुनने के बाद कोई भी दंग रह सकता है। वो तो अच्छी बात है कि यह हमें सुनाई नहीं देती है। अगर ऐसी आवाज सुनाई देने लगे तो शायद साइंटिस्ट इस जगह पर जाना ही बंद कर दे। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।